वाटर ड्रोन को देखो गाइस, वाटर ड्रोन को देखो मूवमेंट कैसे कर रहा है, फड़फड़ा रहा है एकदम पानी के अंदर। ओ भाई उड़ गया, उड़ गया। मैंने खरीदा ये वाटर ड्रोन 3000 रुपए में और साथ में खरीदा एक 3-in-1 RC बोट 4000 रुपए में। दोनों ही कमाल की चीज है। देखने वाले बात है कि ये सही में पानी के ऊपर काम करता है या नहीं। तो भाई अभी हम करने वाले 3-in-1 वर्सेस वाटर ड्रोन की रेसिंग, तो देखते हैं कौन जीतता है। ओ भाई यार ये ड्रोन का आगे निकल रहा है, ओ ड्रोन का आगे निकल रहा है गाइस। वो वाटर ड्रोन उड़ के भाग गया है। ड्रोन का स्पीड देखो गाइस, ये नीचे नीचे चल रहा है लेकिन गाइस बहुत ही अच्छे से चल रहा है। बहुत ही हाई स्पीड वाला ये ड्रोन कार है गाइस, देख रहे हो। एक छोटा वाला ड्रोन इतना पावरफुल है कि ये RC कार को एकदम घसीटते हुए लेके जा रहा है। बहुत ही स्पीड, इसके अंदर कोई व्हील नहीं है फिर भी ये बहुत ही सी, मुझे लगता है कि जो व्हील वाला RC कार है इसको भी हरा देगा ये स्पीड के मामले। देख रहे होगा इस कितना स्पीड वाला ये ड्रोन कार है, 3-in-1 ड्रोन कार। तो चलो गाइस अब करते हैं फ्लाइंग टेस्ट दोनों के बीच, कौन ज़्यादा उड़ सकता है। तो ड्रोन तो उड़ गया छोटा वाला, लेकिन वाटर ड्रोन उसका पीछे पीछे जा रहा है। ओवरटेक कर लिया, वो गाइस ओवरटेक कर दिया RC, वो जो वाटर ड्रोन है वो ओवरटेक कर दिया, ओवरटेक करके नीचे भी आ गया। फिर से एक बार टेस्ट कराते हैं। तो भाई फिर से पहली बार जो छोटा वाला ड्रोन ऊपर उड़ गया, वो भाई दिखाई भी नहीं दे रहे ठीक से, बहुत ही ऊँचा चला गया दोनों ही ड्रोन। और वाटर ड्रोन फिर से वापस आ गया पहले। ओ छोटा वाला RC ड्रोन को देखो गाइस क्या हो रहा है, वो अभी तक ऊपर ही उड़ रहा है, बहुत दूर चला गया, बहुत ही दूर, उसके पेड़ के पीछे उधर बहुत दूर जा चुका है। अभी भी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लैंड भी करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे पास, देखते हैं। ओ भाई आ गया आ गया आ गया, एकदम सेफ लैंडिंग हो गया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं नीचे नीचे कि अच्छा से हम लोग देख पाए इस छोटा RC ड्रोन को और वाटर ड्रोन को, इसलिए थोड़ा नीचे नीचे चला रहा हूँ। देख लो गाइस आप लोग भी देख लो, बहुत ही बढ़िया चल सकता है इसका, इन दोनों का बहुत बढ़िया बैलेंस भी है गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे इतना बढ़िया बैलेंस है इन दोनों का, बहुत ही कमाल की चीज़ है दोनों ही। लेकिन गाइस देखते हैं आगे भी पानी में टेस्ट करने वाला है, पानी के अंदर कैसे परफॉर्म करता है ये दोनों। तो चलो गाइस अब कराते हैं पानी के अंदर टेस्ट दोनों को लेके। मैं बहुत बड़ा तालाब के पास आ गया, अब टेस्ट करने वाला दोनों को फेंकने वाला, वो फेंक दिया गाइस। तो वाटर ड्रोन को देखो गाइस, वाटर ड्रोन को देखो मूवमेंट कैसे कर रहा है, फड़फड़ा रहा है एकदम पानी के अंदर। ओ भाई उड़ गया, उड़ गया वाटर, पानी से उड़ गया एकदम, आप लोग देखा एकदम पानी से उड़ गया गाइस। ओ सर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये डूब ना जाए, बस क्या कर रहे हैं भाई, ये उलट गया। फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, डूब गया भाई, डूब गया। और इसका पंखा भी वापस निकल के आ गया गाइस, ये एकदम ख़त्म। तो छोड़ो गाइस इसको, आप चला था नाव को, नाव को देखते हैं, ये वही ड्रोन वाला नाव है, हम लोग सेट कर दिया, आप देखते हैं नाव कैसे चलता है। नाव बहुत ही बढ़िया चल रहा है गाइस, एकदम बहुत ही मस्त चल रहा है गाइस ये नाव। ओ भाई देखो इसका साउंड, देखो स्पीड, देखो सब कुछ बढ़िया है गाइस। मुझे तो 3-in-1 बोट बहुत ही अच्छा लगा, सही लगा, क्योंकि जो 3 मतलब तीनों ही एकदम छोटा वाला ड्रोन और कार और नाव सब एकदम परफेक्ट चला मुझे लग रहा है। लेकिन गाइस जो वाटर ड्रोन है वो वाटर ड्रोन मुझे धोखा दे दिया, अंदर डूब गया और पंखा भी छूट के बाहर आ गया। आप लोग को कौन सा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट पर बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।